हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता, आप सभी का मेरे चैनल फ्रेंड्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वाई गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सर्विस ही क्यों चाहिए। तो जनरली सब कोई बोलते हैं कि जॉब सिक्योरिटी, बट जॉब सिक्योरिटी से हट के भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसलिए हमें सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जैसा कि मैं अपने चैनल टैलेंटेड स्टूडेंट से के माध्यम से आप लोग से जुड़ा हूँ, ठीक है, और अब मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग को बताऊँगा कि गवर्नमेंट जॉब ही क्यों आप सभी को लेना है, इसके लिए निरंतर कोशिश क्यों करना है। जैसा कि बहुत कोई लोग बोलते हैं कि जॉब सिक्योरिटी है इसलिए गवर्नमेंट सर्विस लेना है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है इसलिए गवर्नमेंट सर्विस लेना है, बट उससे बियॉन्ड भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किसी लड़के को या किसी लड़की को या फिर किसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत मजबूत होते हैं, जिनके माता पिता का बड़ा बड़ा बिजनेस रहता है, तो लोग अपने माता पिता के बड़े बड़े बिजनेस को संभाल लेते हैं। बट हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, बिलो मिडिल जो फैमिली से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उनके माता पिता का कोई ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं होता जिसे वो संभाल सके, ठीक है, पहला ये रीज़न हुआ। और ना ही उनके माता पिता इतना फाइनेंस कर पाते हैं कि वो किसी बड़ा सा शॉप या फिर कोई बड़ा सा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर, ठीक है। दूसरा क्या है, रीज़न क्या है कि जैसे मैं हूँ बीएससी इन अप्लाइड फिजिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से, मैंने इसकी पढ़ाई की है, और इस कोर्स करने के बाद कोई मुझे प्राइवेट नौकरी नहीं देता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बीए, बीकॉम, बीएससी ऐसे नॉन वोकेशनल कोर्स करते हैं जिसके कारण कोई भी प्राइवेट फर्म उन्हें ज़्यादा महंगा जॉब नहीं दे सकती है, 6 से 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं दे सकती है, तो उससे एक स्टेबल लाइफ तो आदमी नहीं जी सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि इसी पे डिपेंड करता है कि अगर कोई बिलो मिडिल या फिर नॉर्मल फैमिली से आते हैं तो महंगे महंगे कोर्स 5 लाख 10 लाख का कोर्स उनके पेरेंट्स एफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो महंगे महंगे कोर्स एमबीए या फिर मेडिकल ऐसे ऐसे कोर्स कर पाए किसी बड़े बड़े कॉलेज से, जिसके कारण उन्हें गवर्नमेंट सर्विस की तरफ तैयारी करने के लिए आना पड़ता है। और जैसा कि बात है, जॉब सिक्योरिटी तो है, लेकिन अभी कोरोना का टाइम है, कोरोना के टाइम में बहुत सारे जॉब गए, तब हमको ये चीज़ महसूस हुआ कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब का क्या महत्व है, इसका क्या फ़ायदा है। अभी क्या है कि देखिए, हम लोग का चले महंगाई भत्ता काटा गया है, बट इतना है कि अभी हम लोग को 28-30 हज़ार रुपये सैलरी आ जाता है, जिससे एटलीस्ट हम लोग का जो बेसिक नीड है वो बिल्कुल अच्छे से पूरा हो जा रहा है। बट अभी के समय में बहुत लोगों का दुकान बंद है, बहुत लोगों को खाने के लिए परेशानी हो रही है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो किसी से पैसा मांग भी नहीं सकते क्योंकि उनको ख़राब लगेगा, जो बहुत ही गरीब है उनको तो चले उनको मांग के कहीं से खा लेंगे, जो बहुत अमीर है उनके पास पैसा है, बट जो मिडिल क्लास बिलो मिडिल क्लास है वो किसी से मांग भी नहीं सकते, इसलिए जॉब सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अभी जैसे कोरोना का टाइम आया, अगर मान लीजिए कोई मिडिल क्लास है फैमिली, इसका मान लीजिए सेविंग 15 लाख 20 लाख रुपया है, अगर हॉस्पिटल में कोरोना टाइम एडमिट होता भी है तो समझ जाइए कि वो तो उनका पैसा पूरा खत्म ही होगा, कोई भी जो भी हॉस्पिटल रहेगा वो तो लूट मचा के ही रखते हैं, पैसा जितना होगा उनका सेविंग खत्म हो जाएगा। बट अगर गवर्नमेंट सर्विस में रहेंगे तो हॉस्पिटल चार्ज जो होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है, कोरोना का टाइम में। और फ्यूचर के लिए भी क्या फ़ायदा होता है गवर्नमेंट सर्विस को लेके, जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा होगा तो किसी भी अच्छे अच्छे स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय हुआ, वहाँ पर एडमिशन मिलने में भी उन्हें आसानी होगी, उनके बच्चों को मतलब पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद बच्चों का फ़ी भी गवर्नमेंट देती है, जैसे सालाना एक बच्चे पे 2500 रुपये करके अभी दे रही है, बाद में और ज़्यादा देगी, दो बच्चे पे 54,000 देती है ईयरली, ठीक है, और एक स्टेबल लाइफ होगा, ठीक है। प्राइवेट जॉब में जैसा होता है शोषण भी होता है, यहाँ पे हम लोग शोषण भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अभी तो कोरोना का समय है, बहुत सभी वैकेंसी फिलहाल रोक के रखी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट का वैसा मन ही नहीं है कि वो शायद दे जो जॉब या ना दे, हमेशा सभी एग्ज़ाम टल जा रही है, इलेक्शन टले या ना टले बट एग्ज़ाम टलती जा रही है। बट इस टाइम क्या करना, आप लोगों को बिल्कुल अपने धैर्य से काम लेना है, आप लोग अच्छे से एक प्रिपरेशन बना के रखिए, क्योंकि अभी NTPC का PT हो चुका है, मेंस भी उसका होगा, तो एटलीस्ट आप लोग इस समय को बर्बाद ना करके अच्छे से कम्पिटिट करें, कि कंपटीशन भी बहुत बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और आप लोग कोशिश कीजिए कि इस बार मेहनत के दम पे अपना सिलेक्शन ले लें, और ध्यान दीजिएगा
स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को क्लियर करने में स्ट्रैटेजी होना बहुत ही अच्छा है। और जैसे अभी कोरोना के समय में आप लोग बाहर मत जाइए, क्योंकि हमें तो जैसे अभी गवर्नमेंट सर्विस जो भी है जिनका भी है उन्हें तो बाहर जाना पड़ता है, उन्हें तो मजबूरी है। बट आप लोग अगर घर पे रहते हुए सारा काम हो जाता है तो घर से ही रहिए, बाहर मत निकले, क्योंकि ये जो अभी दूसरा कोरोना का लहर है इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, ठीक है, और काफ़ी लोग इससे जिनका देहांत भी हो रहा है। तो आप लोग कृपया करके घर पे ही रहिए और इतना धैर्य रखिए कि एग्ज़ाम कभी भी होगा, 6 महीना 7 महीना 8 महीना साल भर, तो साल भर का समय आप लोग पेशेंस से यूटिलाइज़ कीजिए, बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। ये समय आप लोगों को तब पता चल गया कि अगर आप लोग टाइम पास कीजिएगा तो फ्यूचर में, अभी जैसे अभी बहुत सारे लोग होंगे, मैं आप लोग का समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं, मेरा भी कभी नौकरी नहीं था, मैं भी अपने ट्यूशन क्लासेस करके अपना खर्च निकालता था, तो मैं एक स्टूडेंट का मजबूरी समझता हूँ बिल्कुल अच्छे से। तो इसलिए आप लोग अभी का समय बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितना जल्दी हो सके जब भी एग्ज़ाम होगा एक बार में एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से क्लियर कीजिए। भले आपको 3 महीना 6 महीना एक ही चीज़ पढ़ना पड़े, बट उसको पढ़ते रहिए और इतना रखिए कि फिर से आप लोग एग्ज़ाम में बैठने की जरूरत ना पड़े, एक बार में आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए, अगला वैकेंसी का इंतज़ार करने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसी के साथ मैं बाय बाय बोलता हूँ, फिर लाइव इंटरेक्शन आप लोग से करूँगा, ठीक है, थैंक यू।